तो ये रहा पूरा पानी, मतलब कि एक ही दिन के डोज से जो है एक्टिवनेस कितनी सही आ गई है और बर्ड्स कितने जल्दी एक्टिव। गाइस बर्ड जो है बहुत ही खतरनाक तरीके से फूल कर बैठे हैं, मुंडी को अंदर घुसा कर बैठे हैं और बहुत दिक्कत हो रही है। अब इस स्थिति में समझ में नहीं आता कि बर्ड का क्या किया जाए। आज एक मेडिसिन बताऊंगा, उससे होंगे बर्ड बिल्कुल ठीक। सो हेलो गाइज, मैं हूँ रोहित गुप्ता भोपाल से और वेलकम करता हूँ आपका आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल भोपाली बर्ड्स लवर्स में। दोस्तों जी दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आपने देख लिया होगा स्टार्टिंग में किस टॉपिक पर ये वीडियो है और पूरी रिटर्न में बात करूंगा दोस्तों। दो से पाँच मिनट के अंदर, मतलब पाँच से छः मिनट के अंदर ये वीडियो को ख़त्म करूंगा, एक एक जानकारी बहुत बारीक दूंगा, इसलिए आप बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों। एक एक चीज़ आपके लिए बहुत जानकारी भरी है, पॉइंट्स पर बात करूंगा पूरी एक एक और किस तरह से आपके बर्ड जो है इसे सही होंगे दोस्तों वो बताऊंगा। बीमारी क्या है दोस्तों? बीमारी ये होती है इसके अंदर कि बर्ड्स आपके फूल कर बैठने लगते हैं, मतलब कि मुंडी को जो है अपने परों में घुसेड़ लेते हैं, फूल कर बैठ जाएंगे, एक्टिविटी रहेगी थोड़ी बहुत कम रहेगी। मेरे बर्ड्स में भी ये प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, एक से दो दिन अभी मैंने ये दवाई दी है, आज दूसरा दिन है मतलब, और मुझे एक दिन में ही फ़र्क लगा है। तो मैं आपको ये मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ, ये मेरे हाथ में मेडिसिन है, अभी क्या है ये और कैसी है वो आगे बताऊँगा। तो आपको दोस्तों बीमारी का लक्षण ये दिखेगा कि बर्ड फूल कर बैठा हुआ है, एक्टिविटी कम कर रहा है, उछल कूद कम कर रहा है। तो हमें इस कंडीशन में क्या करना है दोस्तों, इस कंडीशन में सबसे पहले क्या करें, मतलब अब दूसरा पॉइंट है, बीमारी मैंने आपको बता दी, अब क्या करें, क्या करें दोस्तों इस कंडीशन में? सबसे पहले आप रात में उनका जो शीड होता है, खाने का दाना है, वो निकाल लें और पानी निकाल लें। अभी मैंने अपने बर्ड्स को दाना पानी रात में निकाल लिया है, जिसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कल रात को मैंने किस तरह से दाना पानी निकाला। सो गाइस, तकरीबन रात का 10:30 बज रहा है और जो है कॉलोनी के अंदर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये बर्ड बैठे हुए हैं। इनका इलाज जो है दोस्तों एक दिन हो गया है करते हुए, अभी दो दिन और इनका इलाज करना है, तो अब इनका दाना पानी निकालने का है समय। तो दाना पानी निकाल लिया है दोस्तों, तभी ये सुबह उठकर जब मैंने कुछ भी प्रोवाइड करेंगे इस पानी के अंदर मिलाकर, तो इसे बहुत अच्छे से पिएंगे दोस्तों। और दाना भी इनका हम निकाल लेते हैं, मतलब इनको भूखा भी हमें रखना है, तभी उसके बाद इनका इलाज सही तरीके से हो पाएगा। तो ये पानी निकाल लिया है दोस्तों, और ये देख सकते हैं अब ये शीट भी मैंने बाहर निकाल लिया है, और अब गेट को कर देंगे हम यहाँ पर लॉक, और अगले दिन सुबह हमको कल देंगे दोस्तों वापस से वही टेट्रासाइक्लिन का कैप्सूल। तो किस तरह से टेट्रासाइक्लिन की टैबलेट हमें प्रोवाइड करनी है वो वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देख लिया आपने दूसरे नंबर का ये पॉइंट, मतलब कि किस तरह से आपको दाना पानी जो है वो निकाल लेना है टोटली। बर्ड्स को अभी लगभग सुबह का 10-11 बज रहा है और हमने 12-13 घंटे से बर्ड्स को भूखा और प्यासा दोनों रखा हुआ है, क्योंकि अब ये मेडिसिन हम प्रोवाइड करेंगे तो वो अच्छे से इस मेडिसिन को खा पी पाएंगे। तीसरा पॉइंट में हम बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या दवा दें और ये दवा कहाँ मिलेगी। ये सबसे पहला पॉइंट मतलब यही होता है हमारे दोस्तों का, मतलब मेरे लिए अभी ये तीसरा में बात। तो पहला पॉइंट यही पूछते हैं हमारे दोस्त भाई कि सर ये दवा कहाँ मिलेगी और कौन सी दवा है ये। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर इसका फ़ोटो देख सकते हैं, इसका नाम है दोस्तों ऑक्सीमाइसिन बोलते हैं इसको, और ये टेट्रासाइक्लिन का ही दोस्तों रूप है, या टेट्रासाइक्लिन पाउडर जो पीले कलर का पैकेट आता है ये वही चीज़ है। और ये एक टैबलेट के फॉर्म में यहाँ पर हम लोग इसको बर्ड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। टैबलेट कैसे प्रोवाइड करेंगे और किस तरह से इसको देना है, दवा को देने का जो तरीका है दोस्तों वो मैं आपको बताऊँगा। और उससे पहले ये कहाँ मिलेगी दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये वाली दोस्तों आपने इसमें फोटो में देख रहा हूँ, गाय बनी हुई है, घोड़ा भी बना हुआ है, और ये गाय या घोड़े बड़े जानवरों के लिए आती है, इसलिए इसकी बहुत कम डोज आपको देना है, कितना देना है वो अभी आगे बता रहा हूँ। तो ये आपको मिलेगी दोस्तों वेटनरी शॉप पे, मतलब कि जानवरों के मेडिकल के शॉप पे आपको मिल जाएगी। अब जो हमारा लास्ट और चौथा पॉइंट आता है दोस्तों, दवा देने का तरीका। तो दवा देने का क्या तरीका है वो मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ, पूरा देकर बता दे रहा हूँ, दो मिनट के अंदर आपको देकर दिखा दूंगा कि किस तरह से इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों, और कितने लीटर पानी के अंदर कितनी टैबलेट मिक्स करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो गाइस दवा देने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, और ये दवा यहाँ पर हमने ले ली है, ये मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे, ये दवा है और ये पानी है दोस्तों। कितना पानी दवा लिया अभी बताता हूँ, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं बाहर और हमारे जो बर्ड्स हैं वो वहाँ पर अंदर देख सकते हैं आप, वो उधर पे हैं। तो अभी चलकर उनको दोस्तों वहाँ पर दवा ये प्रोवाइड करने वाले हैं, पर उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि किस तरह से दवा को हमें मिक्स करना है। तो देख लीजिए ये वही दवा है दोस्तों जो हम इन्हें प्रोवाइड करने वाले हैं, और ये दोस्तों एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक देना इसलिए ज़रूरी होता है मैं आपको बता दूँ, क्योंकि हमारे बर्ड जो होते हैं वो फूल जाते हैं या किसी भी कारण से उनको हवा लग जाती है, तो हवा के कारण बीमार हो जाते हैं, या फिर दोस्तों उल्टा सीधा खा लेते हैं उसके कारण उनका पेट का डाइजेशन खराब हो जाता है। तो एंटीबायोटिक हमें भी ज़रूरी है दोस्तों, और उतना ही ज़्यादा हमारे बर्ड्स को ज़रूरी है। तो ये जो है ये वेटनरी का ही एंटीबायोटिक है। यहाँ पर पानी देख लीजिए, आधा लीटर करीब मैंने पानी लिया, ये एक लीटर की बोतल होती है आपने देखी होगी जिससे हम पानी पीते हैं, इसमें आधा लीटर पानी लिया है। तो पहले तो इसको मैं नीचे रख देता हूँ दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये दवा आपको निकाल कर दिखा दे रहा हूँ, और बहुत जल्दी ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी दी जाए। ये देख लीजिए यहाँ पर ये मैं टैबलेट को निकाल लिया है, ये इस तरह की कुछ टैबलेट आएगी दोस्तों, बहुत बड़ी आती है, यहाँ तक आधी मैंने दे चुका हूँ, मतलब आधी नहीं, बहुत थोड़ा सा टुकड़ा मैंने इसको दिया है, इसलिए कम दिया है दोस्तों क्योंकि ये लगभग 500 mg की होती है और बड़े जानवरों के लिए होती है, तो हमें इसको छोटे बर्ड्स को जब प्रोवाइड करना है तो बहुत कम प्रोवाइड करना है। तो देख लीजिए मैं इसका एक टुकड़ा यहाँ पर काट रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ, उस टुकड़े का भी मैं एक और भाग करूँगा। ये देखिए
ये एक टुकड़ा मैंने यहाँ पर काट लिया इतना बड़ा, ये देख सकते हैं साइज़ देख लीजिए आप, आधा लीटर पानी में कितना देना है। और उसके बाद भी मैंने इसका जो है आधा टुकड़ा काटा है, मतलब कि इसके दोस्तों लगभग इस बड़ी टैबलेट के हमें 10 पीस करने होंगे तब ये 50 mg का एक डोज बनेगा, जो कि हम पाउडर वाला जो आता है टेट्रासाइक्लिन वो देते हैं। तो पाउडर फॉर्म में दोस्तों मैं इसलिए नहीं लाया, टैबलेट फॉर्म में इसलिए लाया हूँ क्योंकि पाउडर वाला फॉर्म जो होता है दोनों चीज़ एक ही होती है, बस पाउडर ख़राब हो जाता है। तो फटाफट से मैं आपको इसे मिक्स करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए एक टैबलेट का टुकड़ा मैंने यहाँ से हटा लिया है, बस एक ही ले लिया है। तो ये लिया मैंने और ये वो हमारा आधा लीटर पानी दोस्तों, आधा लीटर पानी के अंदर सीधा इसको मिक्स कर देना है। कई दोस्त कहेंगे कि हम इसे ऐसे भी मिक्स कर सकते हैं मतलब बर्तन वगैरह में, तो ये दोस्तों मिक्स नहीं होता। ये नीचे जाकर देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये इस तरह से बैठ जाएगा और मिक्स नहीं होगा। तो अभी ये क्या है कि इसका ढक्कन लगा कर इसे हम बहुत तेज़ी से इस तरह से शेक कर देंगे दोस्तों। तो हमें थोड़ा सा शेक करना होगा 2-5 मिनट, मतलब ये गोली गल जाए, और उसके बाद मैं आपको इसका कलर दिखाता हूँ किस तरह का हो जाएगा। इस कुछ देर की मशक्क़त के बाद इसको हिलाने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से ये पानी जो है एकदम इतना पीला पीला सा हो गया है। अब चलते हैं कॉलोनी के अंदर। तो गाइज अब हम आ गए कॉलोनी के अंदर और पूरे बर्ड्स हमने यहाँ पर रखे रखे हैं क्योंकि हमारे दोस्त भाइयों को पता भी होगा गर्मी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो यहीं पर अभी हम इनको रखकर इनका इलाज कर रहे हैं। तो ये रहा वो दवा वाला पानी दोस्तों जो हमने मिक्स करके बाहर से लेकर आए, तो फटाफट से इनको दे देते हैं क्योंकि प्यासे हो गए दोस्तों हमारे बर्ड काफ़ी रात के, आपने देख लिया है। तो ये रहा पूरा पानी हमने यहाँ पर डाल दिया, देख लीजिए आधा लीटर पानी है गाइस। और ये रहा हमारा दाना जो कि हमने रात में भी निकाल लिया था, अब इन्हें फटाफट से हमारे बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं और आप देखिएगा कितनी तेज़ी से इस पानी को ये पीना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर गेट खोल लिया है, फटाफट से इनको प्रोवाइड कर देते हैं क्योंकि भूखे पेट ही दोस्तों जब हम इन्हें दाना पानी देंगे ये वाला, तभी असर भी करेगा अच्छा और उसी तरह से दोस्तों इनके जो है बीमारी को आराम भी लगेगा दोस्तों जल्दी। तो ये दाना पानी हमने यहाँ पर रख दिया है और इसे बंद करके मैं आपको दूर बैठकर दिखाता हूँ कि कितने जल्दी हमारे बर्ड इसे पीना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए देखिए मैं पीछे आकर बैठा ही हूँ यहाँ पर और ये एक बर्ड उतर गया है, और अब लाइन से जितने बर्ड हैं यहाँ पर आप ऊपर देख पा रहे होंगे सभी का ढेर यहाँ पर नीचे लगने लगेगा। और दाना पानी के लिए दोस्तों हमारे बर्ड जो है भूखे हो गए रात भर के, तो फटाफट से पियेंगे, इनकी बीमारी भी जल्दी दूर होगी दोस्तों। और ये जिस तरह से देख सकते हैं आप एक्टिव आपको काफ़ी दिख रहे होंगे, जो मैंने कल वीडियो आपको दिखाया था उसमें काफ़ी बर्ड चिपके हुए थे, अभी आप एक्टिवनेस देख सकते हैं बर्ड की कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब कि एक ही दिन के डोज से जो है एक्टिवनेस कितनी सही आ गई है और बर्ड्स कितने जल्दी एक्टिव हो गया है। तो आप समझ लीजिए आपका बर्ड अगर आपको सही करना है दोस्तों तो इस मेडिसिन को आपको यूज़ कराना होगा। तो ये सिम्टम्स देख लीजिए जो मैंने बताए उस हिसाब से अपने बर्ड्स को यूज़ कराएं। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से अगले इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।